जैसे कि आप देखते हैं हमारे पास यहाँ वीवो का मोबाइल है जिसका मॉडल नंबर है VIVO Y95। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसका जो बैक पैनल है इसको आपको कैसे रिमूव करना है। तो बने रहिएगा दोस्तों मेरे साथ। तो सबसे पहले जो है पहला स्टेप आपको ये करना है, जो इसकी सिम ट्रे है इसको आपको निकाल लेना है किसी भी सुई या सिम इजेक्टर की मदद से। फिर इसके बाद सिम ट्रे को निकाल कर साइड में एक तरफ रख लेना है। फ्रेंड्स, इसको खोलते समय ध्यान रखिएगा इसमें फिंगर सेंसर है, कहीं आपको पत्ता कट ना जाए, तो बहुत ध्यान से आपको इसको ओपन करना है। और उसका सबसे बढ़िया तरीका है जो आपकी सिम ट्रे है यहीं से आप इसको जो है नाखून लगाएं हल्का सा और फिर धीरे धीरे इस तरीके से इसको स्लाइड करें। जैसे कि आप देख सकते हैं बिना टूल की मदद से आप इसको जो है बहुत ईजिली तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हैं। देख रहे हैं दोस्तों जैसे कि मैं कितने ईजिली तरीके से इसको ओपन कर रहा हूँ, इस तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हैं इसके बैक पैनल को बहुत ही ईजी तरीके से। मोस्टली बैक पैनल जो है आप इसी तरीके से रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए धीरे धीरे आपको जो है नाखून की मदद से ओपन करना है। देखिए इसको खींचना मत बिल्कुल से खोलने के बाद, नहीं तो आपका जो फिंगर सेंसर है इसका पत्ता ये कट जाएगा, क्योंकि ये देखिए इस तरीके से लगा रहता है और ऐसे कनेक्ट रहता है। और ये जो है यहाँ पर कुछ पेचों के द्वारा और स्टील की एक पत्ती है, इससे जो है ये कवर रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे रिमूव करके कैसे अलग करना है। आपको एक टूल ले लेना है, इसके इस वाले स्क्रू को आपको खोल लेना है। यहाँ पे आपको दो तीन स्क्रू जो भी लगे होंगे इसको ओपन कर लेना है। एक इसको यहाँ पे मैंने खोल के हटा दिया है पहले। ये देखिए मैंने ये दोनों स्क्रू यहाँ से रिमूव कर लिए हैं। अब आपको ये पत्ते को अलग कर लेना है और इस तरीके से आप जो है बैक पैनल को अलग कर सकते हैं अपने VIVO Y95 को। और इसी तरीके से चाहें तो आप इसका जो है दूसरा नया बैक पैनल भी लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसमें अपना बैक पैनल रिमूव कर सकते हैं और नया लगा भी सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक